in the matter. I'm trying to tell you that me just doing me gonna have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई दोस्तों। गाइस कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को अपनी रैंकिंग बता दो यार कि आप सभी लोग की रैंकिंग क्या चल रही है और कैसी चल रही है आप सभी लोग की रैंक पुश। तो यार आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खराब गया रैंक पुशिंग में। मतलब होता क्या है, मैंने दो गेम खेले और दोनों गेम का टोटल प्लस मिला करके मेरा 25 का प्लस लगता है। और उसके बाद एक गेम स्टार्ट करते हुए मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई ये गेम के अंदर माइनस लग सकता है, तो अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा भाई टाइम वेस्ट होगा तो अभी गेम खेलते हैं। उसके बाद देखो वो गेम में होता क्या है, मैं पोचिंग की उतरा और पोचिंग की उतरने के बाद मेरे सामने एक बंदा आता है। मैंने हाथ में नेड लिया और इंटरनेट चला जाता है। मैं फिर थोड़ी देर बाद इंटरनेट देखता हूँ, जब आ जाता है भाई साहब मैं नोक पड़ा हूँ। और सबसे पहले तो देखो नीचे दो बंदे आ गए थे यहाँ पे और मुझे एक बंदे के नेड खींचने की आवाज़ आती है। एक बंदे को मैं नोक करता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, मैं नेड से नोक हो गया था और जो मेरा टीममेट था ना वो रिकॉल टावर पे जाता है मुझे रिकॉल करने के लिए और कैंप पर उसको मार देते हैं -35। तो फिर देखो नीचे टीममेट उसका रिवाइव दे रहा था उस बंदे को। और भाई मेरे साथ हो जाता है भारी सीन, और वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे जंप करा ना, पता नहीं होता क्या, जो मेरी जॉयस्टिक थी वो सही से काम ही नहीं कर रही थी। आपने भी नोटिस करा होगा या फिर पीछे आकर के देखो, मेरा प्लेयर हिला ही नहीं एक जगह से। एक बार बस जॉयस्टिक थोड़ी सी साइड में होती है और उसके बाद अपने आप ही रुक जाती है। तो भारी सीन हो गया था उस गेम में। तो जोन काफ़ी छोटा हो गया था अभी यहाँ पे, तो टीममेट ने रिकॉल तो कर ही जाता मेरे को। और हम यहाँ पर आकर के आराम से होल्ड कर रहे थे और यहाँ पर एक नेक्स्ट जोन बनता है और जोन यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना था। तो जोन तो काफ़ी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी यहाँ पर हम होल्ड कर सकते थे। फिर देखो यार उसके बाद मैं किस तरह से एमके से किल्स निकालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो दो बंदे थे, एक बंदे का तो किल मैंने चुरा लिया था, खैर उसको पहले डैमेज दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी। और वो बग्गी वाले बंदे को भी इजीली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर सामने की तरफ मतलब मेरे को एक बग्गी जाती स्पॉट होती है और मैंने सोचा जब ये बग्गी वाला बंदा कहीं पर रुक जाएगा ना तब इसको मारूंगा यहाँ पर, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था। इतने में सामने एक मैकलैरन आई थी और मैकलैरन वाला बंदा नोक हो जाता है। तो ये बंदे को तो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया था। और अभी देखो आपने एक बग्गी वाला बंदा देखा होगा, तो मैं सोच रहा था कि यार वो तो थोड़ा सा मतलब घर अड़ रहा है मेरे सामने, उसको तो देख नहीं सकता। तो अभी मैं यहाँ पर दूर दूर और देखने लग जाता हूँ कि कोई बंदा मेरे को स्पॉट हो जाए। इतने में टीममेट फाइट लेता है और नोक हो जाता है एक बंदे को नोक करके। और यार अभी मेरे टीममेट इस गेम के अंदर मेरा साथ छोड़ने वाला था। और मेरा टीममेट मरने के बाद मेरे को बोल रहा था कि भाई तूने कवर नहीं दिया, तूने ये नहीं करा वो नहीं करा, भाई मतलब दीवार के आर पार कवर दे दूँ क्या। तो क्या ही बोले, क्या टीममेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा उस जगह पे, क्योंकि जब मैं ऐसी सिचुएशन में मरता हूँ ना कि यार मैंने एक बंदे को नॉक करा और दूसरे बंदे ने मेरे को मार दिया और टीममेट ने मेरे को आकर के नहीं बचाया, तो यार उस टाइम पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो समझ सकता हूँ मैं अपने रैंडम टीममेट की दुखद कहानी को, मतलब या फिर इसकी फीलिंग्स को कह सकते हो आप सभी लोग। तो उसके बाद देखो जोन अपने ऊपर से हट चुका था, और खैर जोन तो बहुत पहले से हट चुका था। पर यहाँ पर अभी जोन स्टार्ट हो गया था, तो सामने इधर भाई क्या ही मेरे हाथ से दो किल निकलते हैं। अगर एमके से फायर लिया होता तो इजीली मैं इन बंदों को मार देता। उसके बाद मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, मैं सोच रहा था सामने कोई एज पर से बंदा आ सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे बंदे कुछ। तो मैं यहाँ पर इस बंदे को इजीली फिनिश करता हूँ और फिर यहाँ पे जोन के अंदर निकल जाते हैं। तो यार जोन तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था अभी थोड़ी देर पहले, जिस टाइप का तो जोन बना था घर पे तो उस हिसाब से तो अपने ऊपर जोन आना चाहिए था, पर लेकिन जोन तो भाई अलग ही कट जाता है। तो भाई बाहरी सीन कर दिया था जोन ने हमारे साथ में।
तो अभी यहाँ पर देखो 30 सेकंड रह गए थे जोन स्टार्ट होने में। एंड गाइस आप सभी लोग सोच रहे होगे मतलब भाई तू आजकल सही से गेम नहीं खेल रहा, प्लस प्लस ले ही नहीं रहा यार, और चिकन विकन भी नहीं निकल रहा आजकल। तो सिंपल से बात यार, वेट करो मेरे भाइयों, डुओ में कौन कर रहा होने के बाद सोलो में तब भाई मचा देंगे, क्योंकि डुओ में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा गेम खेलने से। तो उसके बाद देखो यहाँ पर होता क्या है, जोन आ गया था और भाई मेरे को यहाँ पर जोन के अंदर जाना था, और अगर आज मैंने ये जोन का डैमेज ना लिया होता ना गेम के अंदर तो भाई मैं बच जाता। लेफ्ट में दो बंदे आते हैं तो मैंने सोचा भाई मैं आगे रुकूंगा, कि वैसे भी मेरी हीलिंग कम थी, और देखो बस क्या सीन होता है। अगर मैंने जोन से डैमेज ना लिया होता तो आज यार एक दो एचपी से बच जाता और पेटी ना बनती इस गेम के अंदर। तो कोई बात नहीं यार, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी